अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत ही अहम बात को समझने की जरूरत है। आज फिर गुजरात वडोदरा में फसाद बरपा हुआ है। जाहिर है फसाद हिंदू मुसलमानों के दरमियान हुआ होगा और वो अभी इसी तरह से है, लेकिन कैसे फसाद को अंजाम दिया जाता है इसे भी समझने की जरूरत है। हासिल इत्तला के मुताबिक दिवाली के पटाखों को लेकर हिंदू और मुसलमानों में तनाजा हुआ। मोटरसाइकिल पर पटाखों का रॉकेट गिरने से मोटरसाइकिल में आग लग गई। वडोदरा पुलिस कमिश्नर अमरिंदर सिंह ने हालात काबू में होने की बात कही है, लिहाजा इसी वारदात को लेकर दो गिरोह आपस में टकराए। यहां तक कि पुलिस पर भी पेट्रोल बम फेंकने की वीडियो वायरल हुई है। अब तक कई गिरफ्तारियां अमल में आई है, 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने की बात भी कही जा रही है। पर अब सवाल ये उठता है कि किसी भी त्यौहार पर फसाद को क्यों बर्पा किया जा रहा है और वो कौन लोग हैं जो अमन शांति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि इसका इल्म इंतजामिया को नहीं है। यहां तक आज वडोदरा में पुलिस इंतजामिया पोख्ता होने की बात भी कमिश्नर वडोदरा ने कही है, लेकिन सवाल तो पूछना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये करवा कौन रहा है, आखिर किसको इसका फायदा हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि गुजरात चुनाव बहुत नजदीक है। आम आदमी पार्टी अब भाजपा को चुनौती दे रही है, ऐसा भी कहा जाता है। पिछले 27 सालों से भाजपा की हुकूमत से यहाँ के लोग तंग आ चुके हैं। जाहिर एक बार फिर हिंदू मुस्लिम फॉर्मूला का इस्तेमाल भाजपा करने की बात भी कही जा रही है। अगर पिछले रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको इस तरह के फसाद को भाजपा संघीय विचारधारा के लोग कैसे अंजाम देते हैं इसको समझने की जरूरत है। रामनवमी, हनुमान जयंती, होली, नवरात्रि और दिवाली को भी किसी तरह खुद ही फसाद बरपा कर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाए, ताकि लोगों में भी इस बात को आसानी से फैलाया जा सके कि मुसलमानों के त्यौहार तो बड़े इत्मीनान से होते हैं और मनाए भी जाते हैं, पर हिंदुओं के त्योहारों को ये लोग पत्थर फेंकते हैं, मस्जिदों से पत्थर आते हैं वगैरह खुलेआम बयानबाजी दी जाती है और इसी का एक नैरेटिव चलाया जाता है, जिससे भोली भाली अवाम कहीं तो बात को तस्लीम कर लेती है। ये अलग बात है कि अब इनका झूठ पकड़ा भी जा रहा है, पर इसे समझने की जरूरत है। भारत एक मुख्तलिफ जबानों, मुख्तलिफ मजाहिब, तहजीबों का मुल्क है। यहाँ का संविधान आज भी मजबूत है, पर उन लोगों का क्या किया जाए जो इस मुल्क के संविधान को ही नहीं मानते। कसम तो संविधान की खाते हैं और इन्हीं के हिमायती संसद के बगल में संविधान की कॉपियां जलाते हैं। कहने का मतलब, अपने एजेंडे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस मुल्क में मुस्लिम मुखालिफ तस्वीर बनाई जाती रही है और ये अब तो हर रोज हो रहा है। जरूरत है साजिशों को समझने की। हर बात को वजीर आजम की कामयाबी से जोड़ा जाता है, जबकि मुल्क किस तरह से जमीन में धसता जा रहा है ये सब देख रहे हैं। अब अगर सुमन ऋषि ब्रिटेन के वजीर आजम बन गए हैं तो इसका भी सहरा मोदी के सर बांधा जा रहा है, जबकि सच्चाई ये रहती है कि इसका किसी तरह का कोई ताल्लुक मोदी से नहीं रहता। अब कमला हैरिस का ही ले लो, ये भी बुनियादी तौर पर भारतीय है, पर अब तक देखा गया कि जितने भी बयान इन्होंने दिए भारत की मुखालिफत में ही दिए। मतलब हर बात को मोदी से जोड़कर इसे महामानव बनाने की साजिश अंधभक्तों की जानिब से की जा रही है। खैर, आज जब वडोदरा में फसाद हुआ है तो इसका जिक्र इसलिए भी करना है क्योंकि मुस्लिम समाज इस वक्त डरा सहमा है। इसके दिल में कहीं तो अब इंसाफ को लेकर शक होने लगा है। जाहिर है इसी जहनीयत के साथ किसी तरह की शरारत को अंजाम देना दूर दूर तक मुमकिन नहीं है, पर आरएसएस का जैसे 100 साल मुकम्मल होने पर हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, बिना फसाद खून खराबे के वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जाहिर आने वाले चुनाव और फिर संघ के 100 साल, इनके लिए बेहतरीन खुराक मुसलमानों से बढ़कर और कौन हो सकता है, और इसी बात को अंजाम दिया जा रहा है। कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय के चुनाव के चलते माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश जारी है।
आप इस वीडियो को देखिए, वैसे तो हमने इस वीडियो को शुरुआत में भी दिखाया है कैसे खुद ही पथराव कर मुस्लिम समाज को जिम्मेदार ठहरा कर हंगामा खड़ा किया जाता है और फिर एक तरफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाती है। हाल ही में नवरात्रि के मौके पर सुल्तानपुर इब्राहिमपुर में फसाद बर्पा किया गया। यहाँ के SHO ने भी एक समाज को लेकर मिट्टी में दफन करने की बात खुले मंच से की। खैर, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते रहेंगे इस तरह की वारदातों में इजाफा होता रहेगा। कर्नाटक में भी यह काम बजरंग दल और राम सेना की जानिब से पूरी एडी चोटी का जोर लगाकर किया जा रहा है। अब कोई भी ईद त्योहार आए तो मुस्लिम समाज का बायकॉट करने की मुहिम चलाई जा रही है। अगर हकीकत में इस मुल्क में संविधान को बचाना है, अमन को बरकरार रखना है, भाईचारे की फिजा को आम करना है तो जो भी किसी भी धर्म मजहब का हो इस पर इंतजामिया सख्त कार्रवाई करे अगर कोई तशद्दुद फैलाने की कोशिश कर रहा है। और यही एक रास्ता हो सकता है, इतना जरूर है। अक्सर लोग दिवाली की खुशियां मना रहे थे, वही एक घर जहां मातम का माहौल रहा। हासिल इत्तला के मुताबिक कंगराली खुर्द के नजदीक क्वारी में जमा पानी में तैरने गए दोस्तों में से एक की डूब कर मौत हो गई। अक्सर क्वारी में तालाब की तरफ पानी जमा रहता है। अपने दो दोस्तों के साथ अनगोल का सतीश हनुमन्ना और तैरने के लिए पानी में तो उतर गया। दोनों दोस्त किनारे पर बैठे रहे, देखते देखते सतीश हनुमन्ना और पानी में डूब गया। ये भी कहा जा रहा है कि सतीश को तैरने का ज्यादा तजर्बा नहीं था, फिर भी गहरे पानी में वो उतर गया, लिहाजा इसकी डूब कर मौत हो गई। पानी में डूबा सतीश न लौटने पर दोनों दोस्तों ने घर वालों को इत्तला दी, इंतजामिया को बुलाया गया। अब तक लाश बरामद नहीं हुई है, तलाश जारी। कैसे इंसान की सांसें और मोबाइल की बैटरी रिंगटोन एक साथ चलते रहते, इसका आज महज एक नमूना देखने को मिला। ऐसा लगता है कि अगर मोबाइल बंद हो गया तो शायद दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी पागलखाने पहुंच सकती है। आज महज 2 घंटे तक व्हाट्सएप बंद होने से लोगों की सांसें कुछ देर तक अटकी नजर आई। 2:30 बजे किसी तकनीकी खराबी से व्हाट्सएप को बंद किया गया था। भारत में 50 करोड़ से जायद व्हाट्सएप यूजर्स होने की बात कही जाती है, पर महज कुछ लम्हों ने किस तरह किसी मरीज का ऑक्सीजन निकालने की तरह अवाम की हालत बन गई थी से महसूस किया गया। इससे मालूम हुआ कि मोबाइल हमारी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा बन चुका है, लिहाजा 2:30 बजे सर्विस को ठीक किया गया। आज सूरज ग्रहण हुआ, इस्लाम में इसकी अहमियत को बयान किया गया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों में अक्सर मुशरिकीन के रस्मों पर अमल करते हुए देखा जाता है और इसी को अल्लाह के दीन में ज्यादती कही जाती है। सूरज हो या चांद ग्रहण, ये अल्लाह की कुदरत का नमूना होता है और जब भी इस तरह ग्रहण लग जाए अल्लाह की तरफ रुजू हो जाना चाहिए। जैसा कि अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सूरज और चांद ग्रहण किसी के मरने से नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। जब इन्हें देखो तो खड़े हो जाओ और दुआ करो। इसी तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जब सूरज ग्रहण हुआ तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अल्लाह के रसूल ने ग्रहण के वक्त अपनी चादर खींची और मस्जिद में दाखिल हुए और 2 रकात नमाज अदा की और तब तक बाहर नहीं निकले जब तक ग्रहण खत्म ना हुआ हो। चांद या सूरज ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से है, पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मुसलमान मस्जिदों का रुख करने की बजाय मुशरिकों की हरकतों में मुलव्वज़ देखे जाते हैं। यहाँ तक कि बेलगाम में भी इसी तरह की हरकतों का जिक्र किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें बेलगाम में ग्रहण की। आखिर में एक अफसोसनाक खबर का जिक्र करते हैं। पहले ही बेलगाम में बहुत कम उर्दू दान बचे हुए और नई नस्ल को उर्दू से कुछ लेना देना है नहीं। पिछले कुछ अरसे से उर्दू के तनावर दरख्त एक के बाद दिगर गिरते जा रहे हैं। अब्दुल समद खानापुरी, वाहिद शाहपुरी साहब, शौकत मनियार साहब और आज जनाब इम्तियाज अतनी साहब। इम्तियाज अतनी साहब नहायत ही संजीदा और खामोश मिजाज शख्सियतों में से रहे। वैसे ज़्यादा वक्त उनके साथ हमें मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी कभी उनसे मुलाकात हुआ करती थी बिल्कुल अजीज़ी के साथ वो गुफ्तगू किया करते थे। मरहूम इम्तियाज अतनी साहब उर्दू खिताबत के लिए काफ़ी मशहूर थे। बेलगाम ज़िले में कहीं भी किसी उर्दू इजलास का पर्चा या पोस्टर बनाना हो तो बेलगाम में 2 ही लोग ज़्यादातर मशहूर हुआ करते थे और वो है वाहिद शाहपुरी और इम्तियाज अतनी साहब।
जब से डिजिटल दौर जारी हुआ और लोगों का उर्दू से रुझान भी घटता गया तो इन्हें काम मिलना भी कम हो गया, लेकिन उर्दू खिताबत के लिए आज भी इम्तियाज अतन का नाम सर फहरिस्त हुआ करता था। इत्तला के मुताबिक आज इनका अचानक दिल के दौरे से इंतकाल हो गया। जनाजे की नमाज बाशबनी हाते में अदा की गई और तदफीन अंजुमन कब्रिस्तान में हुई, लिहाजा इनकी उर्दू के खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। जोहर गुफ्तार के बानी जनाब फारूक हन्नान साहब ने इत्तेहाद में उसको बताया कि जोहर गुफ्तार में तकरीबन 20 साल तक खिताबत करते रहे। फिलहाल अंजुमन कॉलेज में लाइब्रेरियन के खिदमात भी अंजाम दे रहे थे और ज्यादातर वक्त इकबाल बुक डेपो में रहा करते थे। इनके इस इंतकाल से एक और उर्दू का जानशीन चला गया जिसकी कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल है। यकीनन जिन्होंने भी उर्दू के लिए खिदमात अंजाम दिए हैं इन्हें याद करना चाहिए, लेकिन ये नहीं किया जाता ये भी सच्चाई है। मरहूम इम्तियाज अल्लाह बख्श अथनी के 2 भाई, 3 बहनें, 2 बेटे और 1 लड़का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे और घर वालों को सब्र जमील अता करे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।